ब्रदर है जी हाँ मोहम्मद शमी भी बंगाल की तरफ से खेलते आ रहे हैं और आपको बता दें कि इन्होंने पांच ओवर में इकतीस रन दिए और एक भी विकेट नहीं चटका पाए चलिए लेकिन बंगाल बेंग, की टीम ने जो है जीत हासिल करी चलिए दूसरे मुकाबले की बात करते हैं जिसमें मुंबई और राजस्थान के बीच मुकाबला हुआ जैसा कि हमने आपको मॉर्निंग के वीडियो में अपडेट कराया था कि इसमें श्रेय शय्यर ने जो है लगातार दूसरा शतक जड़ा देखिए पहले मुकाबले की बात करें जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ जो है बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करा था जिसमें उनकी सेंचुरी थी एक रन का स्कोर खड़ा करा था और इस बार भी आज के उन्होंने 116 रन का स्कोर खड़ा करा यानी कि सेंचुरी और विजय हजारे ट्रॉफी का देखा जाए तो उनकी दूसरा लगातार जो है शतक था इसी के साथ इनके कई अन्य खिला, अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया जिसमें आपको बता दें यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 36 रन का 38 यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 38 रन का स्कोर खड़ा करा वहीं पृथ्वी शॉ की बात करें देखिए पृथ्वी शॉ ने पिछले मुकाबले में डबल सेंचुरी जड़ी थी और इस बार जो उन्होंने छत्तीस रन बनाया हालांकि कम है लेकिन देखिए इनकी जो टीम है वो काफी मजबूत स्थिति में है पिछली बार भी इनकी टीम ने जीत हासिल करी थी और इस बार भी काफी मजबूती से खेले काफी जबरदस्त फॉर्म में है सारे खिलाड़ी यानी कि यशस्वी जायसवाल की बात

उनका स्कोर खड़ा करा। लेकिन मुंबई की टीम ने जो है जीत हासिल करी। अब वहीं तीसरे मुकाबले की बात करते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली की। दिल्ली की टीम में आपको बता दें कि इस बार शिखर धवन जो है वो इस बार चल गए हैं। देखिए पिछले कई मुकाबले में इस बार वो मजबूती से नहीं खेल रहे थे लेकिन इस बार ने जो उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी है यहां 74 रन का स्कोर खड़ा करा जिसमें सात चौके और एक छक्का था। यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन था दिल्ली की टीम का और वहीं दूसरे खिलाड़ी की बात करें नीतीश राणा की जो के के आर की तरफ से खेलते आ रहे हैं आईपीएल की टीम में उन्होंने सत्ताईस रन का स्कोर खड़ा करा जिसमें दो चौके और एक छक्का वही बात करते हैं महाराष्ट्र की टीम की के जिसमें केदार यादव ने जो है छिहत्तर रन का स्कोर खड़ा करा जिसमें दस चौके थे देखिए वही खिलाड़ी हैं जिनको सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज किया था और देखिए आज वो अपनी परफॉर्मेंस से जो है सीएसके की टीम को उनकी गलती का एहसास करा रहे हैं जी हाँ उन्होंने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया और इसी के साथ जो है सभी मुकाबले के बारे में हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से खिलाड़ी चमके नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारे खिलाड़ियों का जो आज चमके हैं विजयधारी ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन कैसा लगा साथ ही साथ आप हमारा वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें